नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल चचा शिवपाल को अलग क्यों रखा गया। उन्हें 39 लोगों की स्टार प्रचारकों की लिस्ट आती है, एक विधानसभा चुनाव पे होने हैं यूपी में, और उसको लेकर उन्हें अलग क्यों रखा गया। सवाल इसलिए क्योंकि चचा शिवपाल जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियों को मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब होने के वक्त निभा रहे थे, उन्हें ही अलग कर दिया गया। क्या अखिलेश यादव अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं कि भाई हम चचा के साथ नहीं हैं, हम चचा शिवपाल के साथ नहीं हैं, क्या है इसकी हकीकत, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कशिश इस वक्त मौजूद हैं। कशिश, बहुत बहुत स्वागत है आपको, हैप्पी दीपावली। और शुरुआत यहाँ से करते हैं कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद ये कहा गया कि चचा शिवपाल शायद आएंगे, एक विधानसभा चुनाव पे जो है चुनाव होने हैं, चचा शिवपाल को उन 39 स्टार प्रचारकों के लिए अलग किया गया, कैसे समझे इसको? देखिए, आप जो नाराजगी वो लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही है, और अगर हम ये कयास लगा के बैठे कि शिवपाल वापस आएंगे यहाँ पर अखिलेश के साथ, तो ऐसा मुझे तो अभी तक नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने साफ कहा था कि मुझे अपनी प्रस्पा को स्ट्रांग करना है और अपने बेटे के लिए, अपने उनके भविष्य के लिए देखना है, तो यहाँ पर अखिलेश के साथ तो आना उनका बनता ही नहीं है। और रही बात यहाँ पर चुनाव की, तो देखिए अभी मैनपुरी में चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पर हर कोई अपने दम पर उतरेगा चुनाव में कि कौन जीत हासिल करता है, क्योंकि मुलायम का जो गढ़ माना जाता है वो जिसके पक्ष में होगा वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनावों में भी फिर जीत हासिल करता नजर आएगा। एक और सवाल कशिश, वो ये है कि आपने देखा कि हर दिग्गज साथ में, पक्ष विपक्ष भी आए उनसे मिलने के लिए, अंतिम संस्कार के बाद भी आए और अस्थियां विसर्जित के बाद भी आए, लेकिन इस बीच में पूरा एकजुट होता हुआ देखा, लेकिन अपर्णा गायब देखी, क्या इसका भी कोई मतलब निकाला जा सकता है? देखिए, ये लगातार बहुत ज्यादा बात बन रही है कि अपर्णा उस टाइम पे अस्पताल में दिखी थी, बीच में नहीं दिखी, अस्थि विसर्जन के दौरान नहीं दिखी, लेकिन अब जब ये शोक पाठ रखा गया था उस दौरान दिखाई दी, बीच में कहा थी। तो देखिए, हो सकता है कि उनके पास कहीं ना कहीं काम करने के लिए उनको बोला गया हो कि आपको यहाँ रहना है, वहाँ रहना है। और नाराज़गी भी हम इसको कह सकते हैं कि अखिलेश यादव के साथ जो प्रतीक यादव की नाराज़गी को लेकर जो कयास लगाए जाते हैं वो शायद अभी भी कायम है, इस वजह से अपर्णा यादव भी मौजूद नहीं रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि अपर्णा यादव को एक परिवार की बहू होने के नाते उन्हें पूरे समय यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए था, क्योंकि ये समय पूरे परिवार के लिए, जब शिवपाल भी अपनी नाराजगी साइड में रखकर परिवार के साथ दिख रहे हैं तो अपर्णा क्यों नहीं, तो सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल कशिश ने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे वक्त में जब पूरा जो है परिवार एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, फिर आखिर क्यों चचा शिवपाल को दरकिनार किया गया, क्यों जो है उन्हें 39 लोगों के लिस्ट में नहीं लाया गया। देखिए दर्शकों, इसका सवाल का जवाब मैं दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले देखिए कि चचा शिवपाल खुद ही परिवार के बारे में, अखिलेश यादव के बारे में क्या है, क्या कुछ रहा। जी, हमारे पिता समाज थे, देखिए पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, दलित शोषित पीड़ित लोगों की सेवा करके उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, राजनीति में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तो ये तो सब लोग जानते हैं। और सर, एक बड़ा मसला है कि अब फैमिली का जो पूरा मामला है, क्या आपको लगता है कि अब जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, बचनी चाहिए? थोड़ा सा जाना, देखे शक्ल तो देख लेंगे, कौन बोल रहा है, कौन सा है? नीचे नीचे बोल। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? अरे भाई बोलो, क्या कर रहे हो आप? कौन बोल रहा था? मुझे दिखाई नहीं दे रहा था ना। सर, किस तरह से देखते हैं अब, क्योंकि नेताजी का जो उनके जाने का जो एक वो है वो फिल नहीं हो सकता किसी तरह से, वो क्योंकि नेताजी की एक ये थी कि तमाम लोग एक साथ रहे, एक साथ हों, तो इसको लेकर भी क्या कोई कोशिश अभी होगी सर? तो कैसे करेंगे बताओ? देखिए, आज तो जो वक्त नहीं है, तो देखिए हमेशा हमने हमेशा नेताजी की किसी भी बात को नहीं टाला है, कोई बात हो, किसी तरीके की बात हो, मैंने अपने जीवन में जो नेताजी ने कहा तो उनके आदेश का पालन किया है। देखिए, हर मोर्चे पर, हर मौके पर मैंने नेताजी की जो भी डिसीजन लिया, जो भी लिया, नेताजी के पूछ करके ही, नेताजी के आदेश से ही मैंने अभी तक फैसले लिए। हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं सर, लोग चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा, तो क्या एक कोशिश होगी फिर से? अभी ये वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है, ये
जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अभी में आप पढ़े हैं, एक संरक्षक की भूमिका आप निभाएंगे क्या? देखिए, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके और उनकी राय से पूरे उत्तर, हमारा दल भी है अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, हमारा दल भी है, तो सबकी बातें सुनकर के, और अभी से क्या, अभी तो कुछ फैसले लेने का समय नहीं है। तो क्या मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के जो आपने कहा था चुनाव लड़ने की बात, तो अब उपचुनाव और अंतिम समय तक नेताजी की सेवा करी है, तो आज तो मुझे नेताजी के न रहने के बाद जो हमारे मन में दिल में जो संसार है सिमटा दिखाई दे रहा है, स्थिति में समय नहीं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो सब बातें जब ऐसा मौका होगा जब होगा, अभी तो सब कार्यक्रम नेताजी के कार्यक्रम सब होनी है, तो इस समय तो कोई फैसले की बात है नहीं। आपने देखा इस वीडियो को, और इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल जो है इसकी सच्चाई ये है कि चाचा शिवपाल को जो है देखा ये गया, समझा ये गया कि जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद जो है उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया गया, बैठकों में नहीं बुलाया गया, और उसके बाद हमारा आपने देखा कि किस तरीके से जो है चाचा शिवपाल नाराज़ हुए, अमित शाह जी से मिलने की कोशिश की, उसके बाद हमारा आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो ख़ास करके इससे मिलते हुए नज़र आए, सीएम योगी आदित्यनाथ से, ओपी राजभर से, तो ये चीज़ समझ में आ गया कि भाई जो है कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ गड़बड़ यही है कि उन्होंने ये कहा कि भाई अखिलेश यादव थोड़ा सा रास्ते से भटक रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। लिहाजा अब आखिर भी कुछ सवाल है जो हम आपको कहते कहते चले जाएँ। सवाल ये है कि अखिलेश यादव को अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अगर उन्हें वाकई में मोदी सरकार को टक्कर देना है, डबल इंजन की सरकार से मुकाबला करना है, तो देखिए आप अकेले अपने बल पे कुछ नहीं कर सकते, आप तभी कर सकते हैं जब आप ग्राउंड पे आएंगे, जब आप तभी टक्कर दे सकते हैं या मुकाबला कर सकते हैं जब कार्यकर्ताओं से मुखातिब होइए, जो कार्यकर्ता नाराज़ थे क्योंकि एक शिकायतें आई थी आज़म खान के समर्थकों के तरफ से अखिलेश यादव को लेकर, कि जब आज़म खान जेल में थे उनके कार्यकर्ता कह रहे थे, यानी मुसलमान समाजों की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे थे अखिलेश यादव जी बात नहीं समझ रहे हैं, उनकी बात सुन नहीं रहे हैं, कोई उस पर जो है जुल्म कर रहा है उनको भी सुनने की कोशिश नहीं कर रहा है। हालांकि बाद में रमज़ान के वक्त वो ज़रूर गए थे, माफ़ी भी मांगी थी और नेताओं से मिलने की कोशिश की, ये काम आपको पहले करना चाहिए था जो आप बाद में कर रहे हैं। यही बात है कि आपको चाचा शिवपाल को भी समझना पड़ेगा, आज़म खान को भी समझना पड़ेगा, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी समझना पड़ेगा, और तभी आपकी पार्टी मजबूत होगी, नहीं तो कांग्रेस जैसा आपका बेड़ागर्त हो जाएगा और आप इसी में बैठकर अपनी हवा खाते रहेंगे और आपकी पार्टी जो है पूरी तरह से साफ हो जाएगी यूपी से। लिहाजा देखना होगा कि क्या अपर्णा हो या फिर चाचा शिवपाल हो या आज़म खान हो, ये तमाम लोगों को कैसे लाने की कोशिश करते हैं, एकजुट करने की कोशिश करते हैं, और सबसे अहम बात 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, उसमें रणनीति क्या होगी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, ये भी बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण सवाल रहेगा सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के लिए कि अब जो उनके पिता की जो विरासत है, जो सियासी कामयाबी थी, क्या उसको वो बरकरार कर पाएंगे या फिर अपनी लापरवाही में उसका भी पत्ता गुल हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।